हम खट्टर साहब से बात करेंगे। दिल्ली से इतने नज़दीक होने के बावजूद भी वहाँ पर कोरोना के केस आज की करंट सिचुएशन में सिर्फ 349 हैं, जिसमें से 108 एक्टिव हैं और कल सिर्फ 7 मामले सामने आए हैं। कैसे हो पाया खट्टर साहब इस तरह का कंटेनमेंट का प्लान, क्योंकि दिल्ली से लगा होना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती था? दीपक जी देखिए, हम लोगों ने प्रारंभ से ही मुझे याद है कि ठीक 4 मार्च को हमारा विशेष हमारा अधिवेशन चल रहा था, उसी दिन हमको समाचार मिला कि गुरुग्राम में और इटली के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो दाखिल हुए। उस दिन से हम एकदम तैयारी में आ गए और हमने इसको बड़ी गंभीरता से अपना कंट्रोल रूम बनाया और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं जो जो कहीं से हमको जानकारी मिलती थी, चाहे वो देश की व्यवस्थाओं में से चाहे दुनिया की व्यवस्थाओं में से, कि क्या क्या किया जा सकता है, और मैंने एक एक व्यवस्था को बढ़िया ढंग से किया। अब ये तो एक संयोग ऐसा है कि हरियाणा में केस कम हैं और इनको भी मैं कहूंगा कि बाहरी कुछ केसेस का जो इसमें आगमन हुआ उसके कारण से हमारे केस इतने भी आए। जब से सबसे पहले जमात का विषय है, तबलीगी लोग हैं, हमारे अभी 330 के 340 के आसपास जो केस हैं उसमें भी 130 तो ऐसे हैं जो तबलीग के कारण से आए। और अब उसके बाद दूसरा जो एपिसोड हो गया वो दिल्ली के कारण से, खास करके सब्जी मंडी में जो आने वाले लोग, उसमें भी चाहे सोनीपत जिला है, हमारा झज्जर जिला है और कुछ फरीदाबाद में भी, ऐसे लगभग 40 केस ऐसे हो गए हैं जो सीधे सीधे दिल्ली के से आने जाने वाले लोगों के साथ संबंध में वो आए। दिल्ली में लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी ले करके वापिस आते हैं, तो ये सब्जी मंडियों के माध्यम से भी एक इस प्रकार का हुआ।